वेलकम टू माई शो मामारिकुम। आप में से बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे पूछ रहे थे कि सर AIPBT का क्या स्कोप है और AIPBT के टॉप इंस्टीट्यूट कौन कौन से हैं और AIPBT में ऑल इंडिया कोटा 15% सीटों के लिए कितना एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार रह सकता है। दोस्तों, जहाँ तक मैं AIPBT कोर्सेज की बात करूँ, एनिमल हस्बेंड्री और BBSC, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्सेज हैं। इवन लास्ट टाइम एक कैंडिडेट्स था जिसके 645 या 650 से अबव थे, उसने AIPBT लिया था। इट्स डिपेंड अपॉन योर चॉइस। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनके 680 से ऊपर मार्क्स थे, उन्होंने AIPBT लिया था। तो ये मैटर करता है आपकी चॉइस पे, रादर देन कि सभी MBBS कर रहे हैं तो हम भी MBBS करेंगे, ये मैटर नहीं करता। 640 वाला, जिसको कि MAMC मिल सकता था या और भी कॉलेजेस मिल सकते थे अच्छे ऑल इंडिया कोटा में, उसने AIPBT को चूज़ किया बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। तो आपका इंटरेस्ट कैसा है ये पे भी डिपेंड करता है। तो बेसिकली इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार का रहने वाला है। तो दैट डिपेंड अपॉन योर चॉइस कि आपकी चॉइस क्या है, रादर देन कि सभी MBBS कर रहे हैं तो आप भी MBBS करिए। दोस्तों, AIPBT की जो काउंसलिंग होती है उसमें ऑल इंडिया कोटा 15% के लिए जो टोटल सीट्स होती हैं वो 525 सीट्स होती हैं। बेसिकली कैटेगरी वाइज सारी सीटें डिवाइड होती हैं जनरल SC ST और फिजिकली हैंडीकैप में। और इंडिया कोटा की काउंसलिंग में जो प्रायोरिटी रहती है कॉलेजेस की, वो कुछ इस तरह से रहती है। बात कर लेते हैं, सबसे पहले जो हमारे कॉलेज की फीलिंग आती है वो राजस्थान के कॉलेज की फीलिंग आती है। बेसिकली कॉलेज ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंस बीकानेर, ये टॉप प्रायोरिटी पे आता है। उसके बाद लुधियाना का कॉलेज है, ये भी अच्छी खासी इसकी डिमांड होती है। पंतनगर उत्तराखंड का कॉलेज है दोस्तों, ये भी नेक्स्ट प्रायोरिटी में आता है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ उदयपुर, जैसा मैंने बोला कि राजस्थान के कॉलेजेस की टॉप डिमांडिंग कॉलेजेस होते हैं। और इसके अलावा जूनागढ़, मथुरा का कॉलेज है, वेटरनरी का, एनिमल हस्बेंड्री का, बहुत ही बढ़िया कॉलेज है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो पालमपुर का कॉलेज है और नवसरी मुंबई के पारेल का भी बहुत सारे कॉलेज है जो अच्छी खासी डिमांडिंग रखते हैं। फैज़ाबाद का कॉलेज UP का है, ये बहुत ही बढ़िया कॉलेज है UP के कैंडिडेट्स के लिए, इसकी भी डिमांड अच्छी खासी होती है। और दोस्तों, अमृतसर का कॉलेज है, खालसा कॉलेज ऑफ एनिमल एंड वेटरनरी साइंस, ये भी अच्छा कॉलेज है। बेसिकली ये प्रायोरिटी ऑर्डर है जिसके ऑर्डर पर आप सीटें चूज़ कर सकते हैं। जबलपुर का हुआ, रोहतक का हुआ, बेसिकली कॉलेज, ये बहुत सारे कॉलेजेस हैं, डिपेंड अपॉन कि किस तरह से आप अदर स्टेट के कॉलेजेस पसंद करते हैं या फिर अपने स्टेट में रहना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस पे भी डिपेंड करता है। अदर स्टेट के कॉलेजेस में जैसा मैंने ऑलरेडी बोला कि राजस्थान का टॉप कॉलेजेस हैं, उसके बाद मथुरा हो गया, लुधियाना हो गया, ये सारी कॉलेजेस बहुत ही अच्छी डिमांडिंग कॉलेजेस होते हैं और इनकी अच्छी खासी रैंक भी फिल होती है। तो ये रहा दोस्तों किस तरह से कॉलेजेस हैं, और मैंने यहाँ पे दिखाया भी हुआ है कि किस कॉलेज में कितनी सीटें हैं। आप देख सकते हैं स्टेट वाइज कि किस स्टेट में कितनी सीटें हैं, कितने कॉलेजेस हैं, पूरा मैंने कैटेगरी वाइज यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि किस कॉलेज में कितनी सीटें, टोटल अगर मैं बात करूँ तो टोटल जो सीटें 15% की वो हैं 525, जिसमें जनरल की 387, जनरल फिजिकली हैंडीकैप की 19, OBC की 3, OBC PH की 0, SC की 75, SC PH की 5, ST की 36 और ST PH की 2। तो ये टोटल सीट्स हैं दोस्तों। प्रायोरिटी मैंने ऑलरेडी बता दी किस तरह से फीलिंग होती है सीट की, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेहतर होंगे AIPBT में। लेट्स ऑल, थैंक्स, बाय, टेक केयर।